हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रबड़ी कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी। और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सामान चाहिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रबड़ी कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को मैंने पहले से गर्म कर दिया था, इसलिए इसमें मलाई आ गई है। और आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का, भैंस का या फिर पैकेट का। और अब हम इसको फिर से उबालेंगे। इसको हमें तब तक उबालना है जब तक कि दूध हमारा 50% तक ना रह जाए, क्योंकि इसकी हमें रबड़ी बनानी है। और दूध को 50% तक सुखाने में करीब 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा 50% तक रह गया और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ये करीब रबड़ी तैयार हो गई है कुल्फी के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम तीनों ड्राई फ्रूट को बिल्कुल बारीक काट लिया है और 1/4 कप के लगभग में ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है। और इसमें हम 1/4 कप के लगभग में चीनी डाल देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। इससे दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, चीनी भी घुल जाएगी और ड्राई फ्रूट भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक और पका लिया और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो कुल्फी के लिए हमें इतनी ही गाढ़ी रबड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसको फ्रीज करेंगे। तो मैंने रबड़ी को पूरी तरह से ठंडा कर लिया और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे। तो कुल्फी जमाने के लिए आप इस तरह का कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिस्पोजल का ग्लास हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्रॉकरी शॉप में इजली मिल जाएगा। तो सारे हम मोल्ड में इस तरह से रबड़ी को डाल देंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे चारों तरफ से अच्छे से। इसके बाद हम चाकू लगा देंगे इसमें इस तरह से ताकि आइसक्रीम का स्टिक डालने में ईजी हो। और इसके बाद इसमें हम आइसक्रीम का स्टिक डाल देंगे इस तरह से। और इसे हमें 8 से 10 घंटे तक फ्रीजर में रखना है या फिर पूरी रात के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो 8 से 10 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रबड़ी कुल्फी बनकर तैयार हुई है। इसको डिमोल्ड करने से पहले एक बार इस तरह से पानी में डाल दें 8 से 10 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है। पानी में इस तरह से डालने से कुल्फी निकालने में ईजी रहती है, मोल्ड से बहुत ईजिली निकल जाती है। आप देख सकते हैं कितना ईजिली निकल गई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रबड़ी कुल्फी बनकर तैयार हुई है। आपने देखा है ये बिल्कुल कम समय में और कम मेहनत में बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।